इस पिछले 2 घंटे से भाई हम हल्क का वेट कर रहे हैं, पता नहीं अभी तक आया नहीं। अरे हाँ, पता नहीं हल्क भैया कहाँ रह गए। हल्क भैया के साथ आज तो मजा आएगा। वाह भाई, कल में सही कहा, तो मजा आने वाला है। लेकिन हल्क हमारा आया कहाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये हल्क गया कहाँ पर भाई, इतने टाइम से आया नहीं। वो ठीक तो होगा। अरे बाप रे, हल्क को तो बहुत देर हो गई। हल्क आज वॉशरूम में 2 घंटे रुका क्योंकि हल्क का पेट खराब हो गया था बर्गर खाते खाते। 1 मिनट, ये क्या, ये तो रेडल का घर है। अरे थैंक यू दोस्तों, अरे शर्म आ गई मुझे तो, इतना बढ़िया बर्थडे बना दिया मेरा। मेरे बाप रे, ये क्या देख रहा है हल्क, यहाँ पर इस चोर का लोग बर्थडे मना रहे हैं और हल्क के बर्थडे के बारे में किसी को याद नहीं है। अरे रे, हल्क को तो देखकर बुरा लग रहा है। ओए हैप्पी बर्थडे, तू जिए हजारों साल। अरे भैया हैप्पी बर्थडे, तू जिए हजारों साल। ये क्या चल रहा है गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हल्क को कुछ भी नहीं मिलता, हल्क को बर्गर भी नहीं मिलता, और रेडल को तो यहाँ पर उसके बर्थडे में कार मिल गई, इतने सारे लोग आए। अरे भैया हमारा रेडल बेस्ट है। सही कहा भैया, रेडल बेस्ट है, बाकी हल्क तो बकवास है, उसका बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, हल्क का भी बर्थडे आता है लेकिन कोई मनाता नहीं है। हल्क को दोस्तों ऐसे तो रोना जाएगा। हाँ ये सब गलत है। यहाँ पर देखिए, रेडल के बर्थडे को दिन में भी मना रहे हैं और रात में भी मनाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर कितना बढ़िया वाला सजावट किए हैं। और मचाइए आगे, आ जाओ भाइयों बहनों, केक खाओ केक। हल्क को इस रेडल ने नहीं बुलाया, पूरे शहर वालों को बुला लिया। साथ साथ में हल्क का बर्थडे कोई नहीं मनाता। गाइस मुझे खुद का बर्थडे याद ही नहीं है। हल्क यहाँ पर रेडल से बोलेगा कि उसको उसका बर्थडे मनाना है, इसलिए हल्क को केक चाहिए। अब तो हल्क अवेंजर्स के साथ खुद का बर्थडे मनाएगा। अरे ये बिन बुलाए बराती कहाँ से आ गया भाई। ओए तू इधर क्या कर रहा है, चोर के घर पे खाना खाना है, शर्म नहीं आती। अरे हल्क, हल्क को भी बर्थडे मनाना है, हल्क को केक चाहिए। क्या बोला, तुझे केक चाहिए। अरे भाइयों बहनों सुनो, अरे ये बिन बुलाया बराती यहाँ पर केक खाने आया है, वो भी अपने बर्थडे का। हाँ तेरा बर्थडे कब आता है जरा बताना। ये तो हल्क को नहीं याद। अरे बाप रे, इसका मतलब तुझे ये नहीं याद तेरा बर्थडे कब आता है। तेरे दोस्तों को तो याद होगा। नहीं हल्क के दोस्तों को भी नहीं आता उसका बर्थडे कब आता है। हल्क तो बस रात दिन बर्गर खाता है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। अरे रुक, पूरी दुनिया को बताता हूँ। अरे भाइयों बहनों, ये जो हल्क है ना, तो इसको बर्थडे पता ना इसके दोस्तों को बर्थडे पता। अरे कैसे दोस्त है इसके, अरे मुझे तो ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे देखो देखो ही, अरे कैसा हल्क है भाई, ये वैसे कहने को सुपर हीरो है और इसका बर्थडे ही नहीं आता। अरे हाँ भैया, कोई बर्थडे ही नहीं आता इसका, तो कितनी गलत बात है। अरे नहीं ऐसे मत हंसो हल्क के ऊपर। अरे क्यों ना हंसे, क्यों ना हंसे भाइयों। अरे देखो देखो भाइयों देखो, अरे इसका कोई बर्थडे ही नहीं आता। हल्क को बुरा लगेगा। दोस्तों तुम्हें तो पता होगा हल्क का बर्थडे कब आता है, तुम तो हल्क को सुपर हीरो मानते हो ना। अरे भैया ये तो बिना बर्थडे वाला सुपर हीरो है। अरे हाँ ये तो बकवास है बर्थडे वाले सुपर हीरो। अरे भैया ये तो बकवास सुपर हीरो है। अरे हाँ भैया ये तो बकवास है यार, कैसा सुपर हीरो है भाई, इसका कोई बर्थडे नहीं। अब बोतलो यार, आज अखबार के टॉप पेपर पे छापेंगे बिना बर्थडे वाला इंसान। अरे बाप रे, हल्क की बहुत बेइज्जती हो गई है। अब हल्क खुद का बर्थडे मनाएगा, अब हल्क फ्रैंकलिन के पास नहीं, अवेंजर्स के पास जाएगा। ये क्या चल रहा है, हैप्पी बर्थडे भाई हल्क, उठी उठी को सब हैप्पी बर्थडे। हाँ ये हल्क का बर्थडे उसके बिना मना रहे हैं। अरे शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कौन सा हल्क है, ये कोई हल्क नहीं है, ये तो नकली हल्क है। अरे भाई दो दो हल्क कहाँ से आ गए, लगता है कोई हल्क के बर्थडे में हल्की कॉस्ट्यूम पहनाया है। ऐसा नहीं है, हल्क ने कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनी है। ये सब क्या हो रहा है, हल्क का बर्थडे है आज। अरे ओए तेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे है आज। ओए तू कौन सा हल्क है, उठी की कसम, ये तो हमारे हल्क के लिए सजावटें की हमने, अपने हल्क के लिए हमने हरी कार दी है। अरे वाह, हल्क को बर्गर भी चाहिए बर्थडे में। अबे तू कौन है, हमारे हल्क को कार का शौक है, बर्गर वर्गर का कोई शौक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हल्क को बर्गर पसंद है कार से ज्यादा। अबे निकल यहाँ से, मैं असली हल्क हूँ। अरे हाँ भाई, वो नकली हल्क कौन है तू। अरे असली हल्क मैं हूँ दोस्तों, बताओ ना मेरा बर्थडे कब आता है। अरे हमको क्या पता तेरा बर्थडे कब आता है, अपने मम्मी पापा से जाके पूछ। हल्क की फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ हल्क के दद्दू रहते हैं, वो भी हल्क के गाँव में, वो बहुत दूर रहते हैं। हल्क चाहता है तुम हल्क का बर्थडे मनाओ, तुम तो नकली हल्क का बर्थडे मना रहे हो। अरे यार बहुत हो गया, इसको कुछ बोल यार, ये मेरे को नकली नकली कहे जा रहा है। अबे ओए नकली हल्क होगा तू, यहाँ पर हमारा हल्क सही है, बिल्कुल सही कहा, मैं असली हल्क हूँ, बिल्कुल सही कहा, नकली हल्क को पीट भाई। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहा है, अरे सॉरी गलती से पकड़ लिया डॉक्टर सिंह तेरे को मैंने। हाँ भाई हल्क, अब बताता हूँ तेरे को, तू नकली हल्क है, मैं असली हल्क हूँ। नहीं हल्क ही असली हल्क है, हल्क को बर्गर पसंद है और हल्क को बर्थडे मनवाना भी पसंद है। अबे चल तेरा कोई बर्थडे नहीं मनाएगा, देख ले तेरे अपने दोस्त तुझे नहीं पहचानते। देखा दोस्तों, ये हल्क के सामने झूठ बोलता है, हल्क तुझे फोड़ेगा। मजा ही आ गया तो, और चलो 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 जल्दी चलता हूँ और जाकर एक्टिंग तैयार रखता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे बाप रे, हल्क के साथ कोई नहीं है। गाइस हल्क के लिए प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। हल्क को अप
अपने बर्थडे के बारे में जानना है। हल्क फ्रैंकलिन को बताएगा, अरे टैक्सी क्यों नहीं आ रही है? वाह भाई आ गया हल्क। ओ भाई साहब तू इतनी बुरी हालत में क्यों आ रहा है? हम पिछले 2-3 घंटे से तेरा इंतजार कर रहे थे, हम घबरा गए थे कि तू ठीक है नहीं, इसलिए हमने सोचा हम टैक्सी लेके सीधा स्टॉक में से चले जाते हैं। वाह भाई कल क्या हो गया हल्क? अरे हल्क का बर्थडे हल्क को नहीं पता और अवेंजर्स नकली हल्क का बर्थडे मना रहे हैं। क्या नकली हल्क जैसी भी कोई चीज होती है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हल्क जैसा ही दिखता है लेकिन हल्क के जैसी हरकतें नहीं है उसकी। ओ भाई साहब क्या चल रहा है गाइस ये? और हल्क का बर्थडे कब आता है? सच बताऊं तो मुझे याद नहीं है भाई, अवेंजर्स को याद होगा। हैप्पी बर्थडे भाई, अब फ्रैंकलिन इतना टाइम लगा दिया, हमारे हल्क का बर्थडे आज। कौन से हल्क का बर्थडे? असली हल्क तो मेरे साथ है। पागल पागल हो गया है क्या? हल्क ये है जिसका बर्थडे आज? अरे हाँ मैं ही तो असली हल्क हूं। और हल्क को कार ज्यादा पसंद है। नहीं हल्क को बर्गर ज्यादा पसंद है। गाइस आप ही बताओ यार असली हल्क कौन है? अगर मेरा वाला हल्क असली है तो आप यस लिखो और टोनी स्टार्क वाला हल्क असली है तो नो लिखो। अरे हमारा हल्क असली है, निकल यहां से फ्रैंकलिन इन बेकार से हल्क को लेके। हल्क को अपने बर्थडे के बारे में जानना है, जाकर अपने मम्मी पापा से पूछना। मेरे मम्मी पापा नहीं है, कितनी बार बताऊंगा। हल्क को बुरा लग रहा है, हल्क जाएगा और मर जाएगा। हल्क भाई सुन तो। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया वो बेचारा तो सैड होके चला गया, अब हम क्या करें? अरे गाइस तुमने सही नहीं किया यार, अगर तुम उसके साथ किसी तरह का कोई घिनौना प्रैंक कर रहे हो तो बंद कर दो। पागल हो गया क्या फ्रैंकलिन? कोई प्रैंक व्रैंक नहीं कर रहे। अरे हाँ यहाँ पर असली हल्क हमारे साथ है और देख हमने हल्क के बर्थडे के लिए कितनी तैयारियां की है। और हमें ना पता भी नहीं था कि हल्क का बर्थडे आता कब है। बिल्कुल सही कहा, हल्क ने आके बताया है। अरे हल्क में इतनी अकल नहीं है कि वो खुद का बर्थडे याद रखे। ए बिल्कुल सही कहा, हमें खुद पता करना होगा उसका बर्थडे कब आता है। अरे हाँ तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ बाबा भाई कल बाबा मेरे को मार रहा है टोनी। अबे निकलो यहाँ से कचरे इंसान। मारो मारो, हल्क को कार पसंद है, हल्क को बर्गर नहीं पसंद। इसमें नकली हल्क का पर्दाफाश करके रहूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है हमें हल्क का बर्थडे पता करना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन हम पता कैसे करेंगे? अवेंजर्स को खुद नहीं पता कि उसका बर्थडे कब आता है, उस झूठे हल्क ने झूठा बर्थडे बता दिया अपना। हाँ यार तुम सही कह रहे हो। वैसे एक मिनट, हल्क ने बताया था कि उसके मम्मी पापा जिंदा नहीं है बट उसके दद्दू जिंदा हैं जो कि पुराने गांव में रहते हैं। गाइस हम हल्क के गांव चलते हैं और भाई जाके उसके दद्दू को लेकर आते हैं, उसके दद्दू अपने असली पोते को भी पहचान लेंगे और उसका बर्थडे बता देंगे। वाह भाई कल सही कहा तूने। फाइनली गाइस हम हल्क के गांव में तो आ चुके हैं और दद्दू का घर लोगों ने यहीं कहीं बताया है। गाइस ये वाला होगा। ओ भाई साहब यहां पर इतना सारा ब्लड क्या कर रहा है? वाह भाई कल बाबा मुझे डर लग रहा है, मैं मेरे को नहीं देखा जा रहा है ब्लड। गाइस कुछ तो गड़बड़ है यार, इतना ज्यादा ब्लड यहां क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकी भैया हल्क भैया के दद्दू ठीक तो होंगे। मुझे तो लगता है वो ऊपर वाले को प्यारे हो गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे प्यारे हो जाएंगे भाई, उनको बताना पड़ेगा पहले कि यहाँ पर हल्का बर्थडे कब आता है। गाइस मुझे सबसे पहले अब ये पता करना होगा कि असल में वो नकली हल्क कौन है, कहीं नकली हल्क ने हमारे हल्के दद्दू को तो नहीं मार दिया। भाई साहब चलो जल्दी स्टॉक मेंशन चलते हैं और जाकर सच का पता निकालते हैं। गाइस मैं छोड़ूंगा नहीं उस नकली हल्क को, वो जो भी अब बचेगा नहीं। अरे बापरे हल्क को समझ नहीं आ रहा है, हल्क अपने दद्दू को कहाँ ढूंढे, हल्के दद्दू कहीं नहीं मिल रहे हैं। अरे अच्छा हुआ यहाँ पर हल्का दद्दू गायब हो गया, अगर हल्का दद्दू गायब नहीं हुआ होता तो हल्क को पता चल जाता कि उसका बर्थडे आसपास ही है और यहाँ पर वो बर्थडे मना रहा होता। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा, हल्क को पता ना चलने चाहिए उसका बर्थडे कब आता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम कभी नहीं पता चलने देंगे कि हल्का दद्दू कहाँ गया। क्या हल्के दद्दू को इन्होंने किडनैप किया? हल्क तुमको नहीं छोड़ेगा, हल्क तुम्हें फोड़ेगा, जल्दी बताओ हल्का दद्दू कहाँ है। अरे अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर हल्क? हमें नहीं पता, तेरा दद्दू तेरा घर पे ही रहता होगा। नहीं हल्का दद्दू हल्के गाँव में रहता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है, हल्क ने सब कुछ देखा, वहाँ सिर्फ ब्लड पड़ा है। अरे ये हमें नहीं पता भाई, अरे तो गड़बड़ हो गई, अरे हमें नहीं पता तो दद्दू कहाँ गया। तो ये बताओ हल्का बर्थडे कब आता है? अरे हमें क्या पता, अपने दद्दू से जाके पूछ। अब तुझे बताता हूँ, तू आकर हमसे जबान लड़ाएगा, तेरी इतनी हिम्मत। अरे बापरे नहीं हल्क को मत मारो। ये ले हम क्यों बताएं तेरा बर्थडे कब आता है, जाकर अपने दद्दू को खुद ढूंढ ले और खुद पता कर ले। नहीं हल्क यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हल्क अपने दद्दू को बचाएगा। हमने तेरा दद्दू का क्या किया हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। ओके गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ, ये गन इस तरह से है भाई कि मैं किसी की भी सच्चाई पता कर सकता हूँ। ऑलराइट ये अबे क्या कर रहा है, ये मार दिया। अबे क्या कर रहा है तूने, हल्क को उसके बर्थडे पे ही मार दिया। अबे पहले आके देख लो एक बार। ओके गाइस ये रही सच्चाई भाई इसकी, ये तो एक कॉस्ट्यूम थी भाई साहब, ये गन काम कर गई। अबे फ्रैंकलिन क्या पीटा है भाई साहब, तू कौन है? देखो एवेंजर्स वो कौन है, कौन है? एक मिनट हल्क ही तो है हमारा। अबे ये सूट है हल्क का, हल्क नहीं है तो हल्क कहां पर है फिर? हल्क है ही नहीं यहां पर, ये ब्लू हल्क है। अरे टोनी सर ये कौन सा भूत है? अरे मैं तो भूत नहीं हूं, मैं हल्क ही हूं लेकिन दूसरी तरह का हल्क हूं, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तो बस ऐसे यहाँ पे मजे लेने आया था और मेरा कोई बड्डे बड्डे नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फेकी भैया इसका क्या करें, उठिन के सब मुझे तो गुस्सा आ गया, अब हमारा असली हल्क है वो तो मुझे नहीं पता, हम उसके दद्दू को ढूंढने गए थे वो भी नहीं मिले। वाह भाई अब क्या करें इसका, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उठिन की कसम हम इसे बर्बाद कर देंगे, तूने हमारे हल्क की जगह ली, हल्क की जगह हम तुझे फोड़ेंगे। अरे माफ कर दे भाई कितना मारेगा। ओए भाई थोड़ा अब छोड़, यहाँ पर हमें अपने हल्क को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसका बर्थडे कब आता है ये तो पता करो। उसका बर्थडे के बारे में उसके दद्दू से पता कर सकते हैं।
हैं। गाइस उसके दद्दू कहाँ पे मिलेंगे, आप लोग प्लीज कमेंट में कुछ तो बताओ। गाइस फाइनली, एक मिनट भाई साहब, ये क्या यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। अरे मारो मारो, जलाओ जलाओ, अरे मेरे को बचाओ, अरे जला दो, अरे भस्म करके बर्बाद कर दो। ये तो रेड हल्के, और इसने यहाँ पर हल्के दद्दू किडनैप कर रखा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब जरूर दद्दू को कुछ ऐसा पता है जो रेड हल्क नहीं चाहता कि पता चले कि अरे ये बुढ़ा बच गया तो हल्क को उसका बर्थडे पता चल जाएगा, एवेंजर्स उसका बर्थडे मनाएंगे, हम हल्क का बर्थडे उसको नहीं मनाने देंगे, इसलिए बुढ़े को चलाओ। बिल्कुल सही कहा भाई, बर्बाद करो। अरे हाँ, बर्बाद करो बर्बाद करो। अरे यार फ्रैंकलिन, इनको छोड़ना मत, इनकी बैंड बजा। अरे बाप रे, तुम दद्दू को इतनी बुरी तरह से चला रहे हो। अरे मार दे बुरी वाला, अरे मारा, ए मुझे मत मार, अरे कितना बुरा मार रहा है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर दद्दू को बचा टोनी। हाँ फ्रैंकलिन मैं कर रहा हूँ, रुक जा, ड्रिल मशीन खोद रहा हूँ भाई, ये जाल टूट नहीं रहा है, पता नहीं किस तरह से बना है। अरे टोनी अपना आयरन मैन का सूट बना ले, अरे उसमें बहुत टाइम लगेगा। अरे बाप रे टोनी सर, मैं तो वेल्डिंग मशीन से जाल काट दूंगा, मेरे को बचाओ, मेरी उम्र क्या है अभी मरने की, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। गाइस फाइनली यहाँ पे जाल टूट गया और फायर एक्सटिंग्विशर से अंकल जी को बचाते हैं। अरे बेटा मैं अंकल नहीं, तेरा दद्दू, जरा इज्जत से नाम ले। अरे हाँ सॉरी दद्दू जी, यहाँ पर ये बताएंगे आपका पोता कहाँ पर है। मेरा पोता, मैं असल में शहर खुद आ रहा था घर छोड़ के, लेकिन उससे पहले ये कुछ नमूने मेरे घर पर आ गए और मुझे पीट के इधर ले आए। ओह माय गॉड, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं मेरे बच्चे को मैं उसका बर्थडे ना बताओ। इसका मतलब बर्थडे का बहल का, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है रात को 12:03 पे। क्या? अरे बाप रे, मतलब टेक्निकली कल बर्थडे है, मतलब हमें आज तैयारी करनी है। अबे फ्रैंकलिन, चलो चलो अपने बच्चे हल्क को विश करते हैं। अरे दद्दू जी, लेकिन हल्क का कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है इन लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप किया होगा। बात तो सही कही गाइस, इस रेड हल्क ने यहाँ पर जरूर हल्क को किडनैप कर रखा होगा। ए हल्क, जल्दी से बता यहाँ पर हमारे भाई हल्क के साथ तूने क्या किया। अरे नहीं बताऊंगा, वरना रात को बर्थडे मनाओगे तुम उसका। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने दोस्तों को भेज दिया स्टार्क मेंशन सजाने के लिए, अगर तूने बताएगा ना पीट पीट के। अरे ठीक है समझ गया, आता हूँ दिखाता हूँ। मैंने तो हल्क को किडनैप कर रखा था, उसके दद्दू को चला रहा था, उसे फुका रहा था। गाइस पता नहीं ये कहाँ लेकर आ गया है। अबे टोनी कोई ट्रैप तो नहीं है? होगा तो इसे पकड़ पकड़ के मारेंगे, चिंता मत कर जा, जल्दी से जाल को फोड़। मैं सच बोल रहा हूँ, हल्क इसी के अंदर है, मैं सच बोल रहा हूँ, वरना ऑडियंस से पूछ लो। चलो गाइस चेक ही कर लेते हैं, अगर हल्क को इसने किडनैप किया है तो भाई पता चल। कुछ भी नहीं है इधर तो, टोनी इसने हमारा उल्लू बनाया। और सच में यहीं यहाँ देख लो, ब्लड भी पड़ा है। हाँ गाइस ब्लड तो पड़ा है यार, लेकिन हल्क है कहाँ पर? अबे यार कहीं हल्क यहाँ से भाग तो नहीं गया? अगर वो भाग गया तो स्टार्क मेंशन गया होगा, और स्टार्क मेंशन गया तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं है हल्क को कोई और ले गया? और मुझे नहीं पता, मुझे जो बोला था मैंने बोल दिया। अरे गाइस ना तो हल्क इधर है ना ही उधर है, अब क्या करें टोनी? मुझे तो लगता है रेड हल्क झूठ बोल रहा है, इसको हम गरम तेल में जलाते हैं फिर पता चलेगी। और मैं सच बोल रहा हूँ, चाहो तो निकाल के न्यूज़ पर चेक कर लो। न्यूज़ पर क्या है? अरे भाई ब्रे, ब्रेकिंग न्यूज़, घोस्ट कम्युनिटी पागल हो गई है, अलग अलग तरीके से अजीब लोगों को किडनैप कर रही है और उनको ईविल बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इनमें से कोई एवेंजर्स का मेंबर भी हो, पक्का नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है, बचा लो वरना बाढ़ में जाओ। अरे बाप रे, एवेंजर्स का मेंबर भी हो सकता है, मतलब वो हल्की होगा। हाँ घोस्ट कम्युनिटी किडनैप करके लेके गई होगी, क्योंकि गाइस घोस्ट कम्युनिटी रात दिन पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करती रहती है। घोस्ट कम्युनिटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, टोनी जल्दी मेरे साथ आ। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, हम अपने हल्क को बचा लेंगे। अरे बाप रे गाइस, हम फाइनली भाग भाग कर इधर आ गए। और भाई साहब ये लोग जल्दी ईविल बन जाएंगे। ओए इसके बड़े इसके बड़े, और जो लोग ईविल नहीं बने उनको मैं खाऊंगा। अरे कुछ को मैं खा लूंगा, अरे कुछ को मैं खा लूंगी। भाई साहब सर्बियन से लेके ग्रैनी तक सबके सब, अरे हमको बचाओ, अरे भाई बचाओ, अरे बचाओ। गाइस ये सब क्या चल रहा है? अबे फ्रैंकलिन यार, ये सब सिर्फ इंसान है यार, हल्क तो कोई भी नहीं है। अरे हाँ सिर्फ हल्क के बेबी है, लेकिन हल्क कोई नहीं है। लेकिन फ्रैंकलिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है लोगों को बचाने का, बात तो तूने सही कही। ए होस्ट कम्युनिटी चुपचाप इन मासूम लोगों को छोड़ दे। ओए इसके बड़े इसके बड़े, ये एवेंजर्स कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं है, अवेंजर्स को भी ईविल बनाएंगे। अरे हाँ सही कहा भाई, अवेंजर्स को भी ईविल बनाते हैं। और चल इसकी बड़ी, एक बच्चे को खा ले, एक को तू खा ले, एक को मैं खा लेता हूँ। अरे हाँ सबको खा लेते हैं। अगर तुमने बच्चे को या बड़े को किसी को भी हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, समझे? चुपचाप पहले ये बताओ तुमने हल्क को किडनैप किया क्या? काश किया होता, लेकिन हुआ क्या? आज रात 12:03 पर हमारे हल्क का बर्थडे। अरे मैंने तो उसको एक्सीडेंट होते हुए देखा था। और इसके ब्रिज के ब्रिज को खा जाता हूँ मैं तो। छोड़ मेरे को, एक मिनट, इन्होंने एक्सीडेंट, तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया क्या? अरे नहीं इसके ब्रिज के ब्रिज, बस हमने देखा था और किसी ने उसको एक्सीडेंट करके मार दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हल्की है, मतलब कौन सा हल्क है ये नहीं पता इसके ब्रिज के ब्रिज। अरे बाप रे, अरे तो बहुत बुरा मार रहे हैं। जावेस मेरा आयरन मैन का सूट भेजो, अब तो सर ऊपर से पानी से जा रहा है। अरे बाप रे कितना बुरा मारा, ओ इसके ब्रिज के ब्रिज मजा आ गया। और चलो चलो इसके ब्रिज के ब्रिज, यहां पर सारे इंसानों को ईविल बनाओ। अरे बाप रे टोनी क्या पिटवाया भाई, जल्दी से आयरन मैन का सूट बुलाओ, उनकी बैंड बजाओ, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा हल्क है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो हमारा हल्क हुआ तो फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं ऊपर वाले से
यही दुआ करता हूँ कि वो हमारा हल्क तो बिल्कुल भी ना हो, जो भी हल्क हो बेचारा बच गया हो। अरे यार मुझे तो गड़बड़ लग रही है, चावेस मेरा सूट कहाँ है? आ गया सर, फाइनली मेरा सूट आ गया है। चलो अब जल्दी चलते हैं और जाकर अब ग्रहण की खबर लेते हैं। अरे बाप रे ये क्या, अभी बताता हूँ ये क्या है। ये ले। अरे मार दिया, बुढ़ापे पे मारता है, शर्म नहीं आती। हाँ तू बुढ़ापे में ऐसे काम कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? क्या मारा? अरे मुझे मत मार। ओए सर भी अंतल निकले यहाँ से। अरे मेरे को मत मार। ओ भैया ये मैं तो सिलेंडर ही ना बन गया, सिलेंडर से इतना बुरा मारा मेरे को। जल्दी बताओ यहाँ पर तुम लोगों ने हमारे हल्का एक्सीडेंट क्यों किया? अरे बोला ना। अबे इसके बड़ी बोला ना, हमने एक्सीडेंट नहीं किया, हमने बस एक्सका एक्सीडेंट होते हुए देखा था। जल्दी बताओ वरना जान से मार देंगे। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है तुम लोगों ने। बिल्कुल टोरी, पूछ इनसे। बाकी गाइस मैं काम करता हूँ, जितने भी लोग इनको भगा देता हूँ। गाइस जाओ जाओ। अरे शुक्रिया। अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया, तुम अच्छे इंसान हो। अरे हाँ भाई। तो गाइस हमने उन मासूम लोगों को तो बचा लिया, अब यहाँ पर इनसे पूछते हैं। अरे बहुत मारा, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों मारा इतनी बुरी तरह से? जल्दी से बताओ हमारा हल कहाँ पर है? अरे बाप रे उठने तो दो। अरे प्लीज हमें और मत मारो, हम सब बता देंगे। इसके बड़े सब बता देंगे। अरे हाँ भाई सब बता देंगे। अरे बताते हैं, हम असल में अपनी कार से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? और इसके बड़े हमारी कार के सामने एक हल्क आ गया था और वो बुरी तरह से ठुक गया। क्या एक मिनट का ही वो हमारा हल्क तो नहीं था? बस हल्क था इतना जानते हैं। अभी अजमत, और ये बता वो मिलेगा कहाँ पर? लेकर चलते हैं, हम अपनी कार को वहीं छोड़ आते वरना पुलिस ले जाती। अरे हाँ इसके बड़े चलो लेकर चलो इनको, वरना ही हमें मारेंगे। बिल्कुल चले गाइस, लेकर चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ, असल में कार मैं ही चला रही थी। अरे बाप रे गाइस, अपना हल्का तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, यहीं पर वो एक्सीडेंट हुआ था। बाप रे यार, ये खून तो यार इंसान का सा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पर उस तरह से टक्कर हुई थी। ओ नो गाइस, ऐसा तो नहीं है हल्क वहाँ से रेड हल्क के चंगुल से निकल के भाग रहा हो और एक्सीडेंट हो गया? लेकिन वो डेड बॉडी कहाँ पर है? यहीं कहीं पड़ी होगी, ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी पड़ेगी क्या मतलब है? अरे बताओ ना तुम लोगों ने कहाँ छुपाई है? हमने नहीं छुपाई। अरे मैंने भी नहीं छुपाई। गाइस मुझे तो चिंता हो रही है यार, आज हल्का बर्थडे और ये सब हो रहा है। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से हल्क ओपी लिखिए, जहाँ भी हमारा हल्क ठीक होना चाहिए और हल्क मिल जाए। हाँ फ्रैंकलिन, हमें जल्दी से जिस भी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है ढूंढना पड़ेगा। अरे चलो चलो चलो, इधर उधर ढूंढ लो, क्या पता मिल जाए। अरे देखो उधर कुछ है। क्या है उधर? ओ माय गॉड, लगता है किसी हल्क की गाड़ी है। ओ भाई साहब, अरे देखो ये रहा, अरे ये तो रेड सायरन हल्क है। क्या? ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, मुझे इस रेड सायरन हल्क के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन गाइस अच्छी बात तो ये है कि ये हमारा हल्क नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर ये हमारा हल्क नहीं है तो फिर हमारा हल्क कहाँ पर है? एक रानी जल्दी बता। बोला ना, हमने हल्क को ठोका था, सारे हल्क को, तुम्हारे हल्क को नहीं। चलो अच्छी बात है, चलो चलो जल्दी चलते हैं इससे पहले कि लोग हमें पीटे। ओ इसके बड़े आज के बाद एवेंजर से पंगा नहीं लेंगे यार, जब देखो पीटते रहते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, अब क्या करें, हमारा हल्क कहाँ होगा? बिल्कुल सही कहा दोस्तों, मुझे हल्क की बहुत याद आ रही है, हल्क के लिए हमने सारी बर्थडे की तैयारी कर ली है। अरे बाप रे, हमारा हल्क सबसे सुपर बेस्ट है। अरे हां हल्क भैया, देखो आपने सबसे ज्यादा लोगों को बचाया इसलिए आपको बर्गर का गिफ्ट मिला। हल्क का बर्गर फेवरेट है, हल्क खुश हुआ इसलिए अवेंजर्स भी खुश हुए। बिल्कुल भाई हल्क, तू कमाल है हमारा। गाइस हल्क कहां पर होगा यार? उसका बर्थडे मनाना है, अब रात भी होने जा रही है, 12:03 पे हमें उसे विश करना है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हम साथ में उसे विश करेंगे। फ्रैंकलिन जरा न्यूज़ चेक करना। अरे बाप रे, ताजा खबर, अवेंजर्स का प्यारा मासूम सा अवेंजर जो कि प्यारा हल्क है, वो आज आत्महत्या करने जा रहा है माउंट चिलियाड के पहाड़ों से, क्योंकि उसके दोस्तों अवेंजर्स ने उसको पीछे छोड़ दिया, उसका बर्थडे नहीं मनाया, उसको बताया भी नहीं बर्थडे की बात है। व्हाट? ओह माय गॉड, फ्रैंकलिन कोई अनहोनी ना हो जाए, मैं जल्दी चलना चाहिए। नहीं टोनी स्टार्क भाई, मैं यहां पर हल्क को लेकर आऊंगा किसी भी हालत में, तू जा और जाकर स्टार्क मेंशन में जा और जाकर देख अवेंजर्स ने सारी तैयारियां की या नहीं। ठीक है फ्रैंकलिन, तू यहां पर हल्क को बचा, बाकी मैं जाता हूं स्टार्क मेंशन में तैयारियां करने। देखते हैं गाइस यहां पर। ओ भाई साहब, अरे क्या हो गया टोनी, मेरा बच्चा कहां है? अरे दद्दू जी आप चिंता मत कीजिए, फ्रैंकलिन गया उसको लेने के लिए। एहे हमने यहां पर सारी तैयारी कर ली। वाह भाई हमारा हल्क खुश हो जाएगा। गाइस जरा देख रहे सही। ओ भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 8 मंजिल वाला केक है यार, इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। बिल्कुल हमने लोगों को पार्टी में भी बुलाया है और हल्क के लिए जायंट हल्क का सूट भी बनाया है। भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है गाइस, ये बर्थडे तो हल्क की जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया सजावट है, लिटरली में कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लाइट से लगाई है, रात को मजा आ जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा आएगा कब? तो हल्क को लगता है असल में हम उससे प्यार नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, हम हल्क भैया को गलत ठहरा के रहेंगे, इसलिए वो आत्महत्या करने जा रहा है। क्या ये
क्या कह रहा है तू? पर चिंता मत करो, हमारा फ्रैंकलिन जा रहा है, उसको किसी भी हाथ में बचा के ले गया। गाइस आप भी प्लीज कमेंट में सॉरी हल्क जरूर लिखना, जिससे कि फ्रैंकलिन की बात वो मान ले। हल्क मेरे भाई कहाँ है तू? हल्क मर जाएगा आज, हल्क यहाँ से कूद के मरेगा। हल्क के दद्दू को रेड हल्क ने मार दिया और साथ साथ में हल्क के दोस्तों ने हल्क को भी जीते जी मार दिया, इसलिए हल्क अपने आप को जिंदा लाश नहीं बना के रखेगा, हल्क मर जाएगा। नहीं हल्क मेरे भाई प्लीज ऐसा मत कर यार, तेरे दद्दू तेरा इंतजार करते हैं। नहीं हल्क के दद्दू मर चुके हैं। ये किसने बताया तुझे? रेड हल्क ने बताया, मेरे हल्क को मेरे दद्दू को उन्होंने आग में जलाया, हल्क कुछ ना कर पाया। अरे यार वो उन्होंने झूठ बोला है। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखो ना, इसको बताओ उसके दद्दू जिंदे हैं। और साथ साथ में भाई यहाँ पर तेरे दद्दू तुझे कुछ बताना चाहते हैं? नहीं अब हल्क के लिए जानना कुछ नहीं रह गया। अरे बाप रे गाइस क्या करूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी से सॉरी हल्क लिखिए। गाइस कोई तो तरीका होगा हल्क को मनाने का आइडिया। गाइस हां मेरी पॉकेट में एक बर्गर रखा है। ओए हल्क भाई मैं ये कह रहा था अगर तुझे मरना है तो मर जा, लेकिन उससे पहले भाई वो बड़ा वाला जो बर्गर है मेरे को दे जा। देख उसमें से एक टुकड़ा मैंने काट लिया है। क्या हल्का बर्गर तू तूने लिया? तेरी इतनी हिम्मत, हल्क तुझे फोड़ेगा। अच्छा बेटा वो तो वैसे भी मरने जा रहा है, तो यहां पर मैं काम करता हूं, एवेंजर्स के पास जाता हूं और बोलता हूं हम सब मिलकर बर्गर खा लेते हैं। नहीं हल्क खाएगा बर्गर, हां हल्क मरने से पहले बर्गर खाएगा फिर मर जाएगा। अरे गाइस फाइनली हल्क आ रहा है। ओके यहां पे फाइनली रात होती जा रही है। गाइस हल्क मेरे पीछे आ रहा है बहुत तेजी से मुझे पीटने। यहां पर सब कुछ तैयार है ना? अरे हां फ्रैंकलिन चिंता मत कर, हमने लाइट जो ऑफ की है, एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है। हल्क फोड़ेगा। ये क्या स्टार्क मेंशन में इतनी ज्यादा अंधेरी? लगता है अंधेरे में बर्गर खा रहे हैं हल्क का। हल्क छोड़ेगा नहीं। हल्क का तुमने बर्थडे तो नहीं मनाया, लेकिन हल्क तुम्हें जरूर फोड़ेगा। ऑलराइट गाइस आप तैयार हैं? कमेंट में जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे हल्क, हैप्पी बर्थडे आरा बच्चे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे मेरा पाके, मुझे हजारों साल तू हो जाए बर्गर से माला माल। बिल्कुल सही कहा, हैप्पी बर्थडे हल्क। और यार मेरी तरफ से सॉरी। और देख हमारा गिफ्ट। अरे बाप रे ये सब हल्क के लिए? हाँ ये सब तेरे लिए। गाइस दबा के वीडियो लाइक कर दो अभी तक नहीं किया, और चैनल सब्सक्राइब भी यार, आज हमारे हल्क का बर्थडे। और गाइस देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट है। हल्क हल्क सारे गिफ्ट फोड़ना चाहता है। हल्क चाहता है इनमें बर्गर निकले। हाँ गाइस हमने सच में इसमें बर्गर ही रखे हुए हैं बढ़िया बढ़िया से, और तेरा केक भी है। चलो गाइस तब तक हम केक खाते हैं, बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।